तो वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग एंड अनदर कार। हम देख रहे हैं भाई आज आपका फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट है। शोरूम पे गाड़ी आनी स्टार्ट हो गई है, जल्दी इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। जो हम ये वेरिएंट देख रहे हैं ये टर्बो जेट है आपका, 972,000 एक्स शोरूम पड़ेगा ये आपको। बाकी स्टेट वाइज प्राइस वेरी करते हैं, आपकी कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग प्राइस रहते हैं। ये जो प्राइस बताया मैंने आपको एक्स शोरूम है, ये मोस्टली सारी स्टेट्स में आपको एक ही मिलेंगे एक्स शोरूम। अच्छा, इसमें टर्बो जेट में कंपनी हमें ऑफर क्या क्या कर रही है डेल्टा प्लस वेरिएंट में, ये स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट से। पहले उससे पहले आपको की दिखा दूं, कुछ इस तरह की मिल जाती है हमें। इसमें मैनुअल की मिलेगी विद सेंटर लॉकिंग, दोनों कीज में आपको सेंटर लॉकिंग देखने के लिए मिलेगी। ये मारुति की नॉर्मल की है, ज़्यादातर आपने यही गाड़ी की देखी होगी। जो स्मार्ट की है वो आपको अलग गाड़ियों में देखने के लिए मिलती है, जैसे आपका ग्रैंड विटारा वगैरह हो गई, बेस वेरिएंट से देखने के लिए मिल जाती है। इसमें आपको डेल्टा प्लस में ये वाली की देखने के लिए मिलेगी। अब फीचर्स की बात करें, फीचर क्या क्या कंपनी ऑफर करेंगे फ्रंट से। इसमें प्लेन विंडशील्ड मिलेगी, मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे विद टू वॉशर्स, टू रूफ रेल्स मिल जाएंगे, ब्लैक रूफ रेल्स मिलेंगे, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा देखने के लिए। आगे रेडियर ग्रिल मैट ब्लैक में मिलेगी, कुछ कुछ ग्रैंड विटारा वाला फ्रंट मिलेगा आपको देखने के लिए। सिर्फ आपका जो हेडलैम्प्स है उस पे आके चेंज होगा, DRLs वगैरह आपको देखने में ये आपको ग्रैंड विटारा वाला लुक देगी गाड़ी। बट हुड इसका थोड़ा नीचे है ग्रैंड विटारा के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो प्रॉपर SUV है, ये कूपे है मारुति की। नेक्स्ट आप जो मिलेगी प्रीमियम ब्रांड्स पे, तो वहीं बात करेंगे ग्रिल से आगे बढ़ेंगे। ग्रिल में यहाँ आपको थोड़ा गार्निश भी देखने के लिए मिलेगा, बीच में सुजुकी का लोगो। ये DRLs मिलेंगे, यही आपके इंडिकेटर में वर्क्स करेंगे। इसमें 3 बैरल हमें LED बेस हेडलैम्प्स मिलेंगे, लो बीम हाई बीम के लिए LED बेस हेडलैम्प्स है 3 बैरल। नीचे लो ग्रिल है रेड ग्रिल, ये मैट ब्लैक में मिलेगी, सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी काफी बड़ी देखने के लिए। साइड में भी चलते हैं, बट यहाँ से पहले आप गाड़ी का फ्रंट देख लीजिए। अब चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे आपको क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा गाड़ी के सराउंडिंग देखने के लिए फेंडर से, और जबकि ये फ्रंट बम्पर से स्टार्ट हो जाता है, सराउंडिंग ही होता है गाड़ी के जो क्लैडिंग का पार्ट है। प्लेन फेंडर मिलेगा, काफी चौड़ा क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा, ब्लैक ग्लोसी ग्रे कुछ अलॉयज हैं, डार्क बिल्कुल डार्क ग्रे वाले अलॉयज मिलेंगे। फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेंगे। टायर साइज की बात करूं तो टायर सेक्शन इसमें हमें मिल जाता है 195/60/16 का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेंगे। ऑटो एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORVM मिलेंगे विद इंडिकेटर। ए पिलर सेम बॉडी कलर मिलेगा, ब्लैक रूफ रेस शार्क फिन एंटीना। बी पिलर आपको मैट ब्लैक में मिलेगा, सेम बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर ना ड्राइवर साइड है ना को ड्राइवर साइड। डोर्स पे भी नीचे क्लैडिंग का पार्ट देखने के लिए मिलेगा, रनिंग बोर्ड आपको ब्लैक मिलेगा, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और क्लैडिंग का पार्ट मैं दिखा चुका, सराउंडिंग आपको गाड़ी पे देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाते हैं क्वार्टर पैनल पे, छोटा सा ग्लास मिल जाएगा क्वार्टर पैनल पे देखने के लिए, ये पार्ट भी ब्लैक मिलेगा। अब गाड़ी के रेयर लुक पे आएंगे तो कुछ इस तरह से LED बेस रेयर टेल लैम्प्स मिलेंगे। बाकी पहले साइड से आप देखोगे तो लिनो वाला फील देगा गाड़ी साइड से, और वहीं रेयर लुक पे आ जाते हैं तो LED बेस टेल लैम्प्स मिलेंगे इसमें 3 पॉइंट्स में। आपको स्ट्रिप मिलेगी बूट गेट पर, वो वर्क नहीं करेगी, आपका LED टेल लैम्प्स यही वर्क करेंगे। उसके नीचे इंडिकेटर, यहाँ पे बैक लाइट साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, सिल्वर स्किड प्लेट मिलेगी काफ़ी बड़ी देखने के लिए रेयर में। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, फ्रॉन्क्स की ब्रांडिंग। यहाँ आप स्ट्रिप देख रहे होंगे, ये आपको रिफ्लेक्टर के लिए मिलेगी, ये वर्क नहीं करती आपका। सुजुकी का लोगो, रेयर डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर, यहाँ पे आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है। डेल्टा प्लस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने के लिए नहीं मिलेगा। रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे और स्किड प्लेट काफ़ी बड़ी मिल जाएगी। बाकी गाड़ी का रेयर लुक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। अब आ जाते हैं को ड्राइवर साइड पे, तो यहाँ आपका फ्यूल टैंक सेम वही अलॉयज वगैरह मैं दिखा चुका, रिक्वेस्ट सेंसर आपको ना ड्राइवर साइड मिलेगा ना को ड्राइवर साइड। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, की मैं दिखा चुका, कुछ इस तरह की कीज मिल जाती हैं। अब जल्दी से गाड़ी में एंटर होते हैं, यहाँ जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करेंगे, हम करेंगे ड्राइवर डोर पैनल से। यहाँ पे ट्विटर वगैरह की जगह नहीं मिलती, कुछ इस तरह से डुअल टोन में इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ भी आप कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा को याद करोगे। ये आपका डोर ओपनर, ये लॉक अनलॉक का बटन, ये थोड़ा आपको शाइनिंग वाला पार्ट देखने के लिए मिलेगा डोर के अंदर। बाकी ड्राइवर ट्री में हमें थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट टच मिलेगा, यहाँ भी फैब्रिक यूज किया हुआ है। चारों पावर विंडो मिलेंगी, ये आपका ORVM कंट्रोल्स, ये चाइल्ड लॉक के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए। नीचे वाटर स्पेस, स्पीकर, 3 पैनल्स मिलेंगे, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, चौथा डेड पैनल। सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी डुअल टोन में,
सिर्फ आप रिक्लाइन कर सकते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। सीट कवर्स चढ़ रहे हैं शोरूम की तरफ से ही। अब चलते हैं अंदर, तो यहाँ पे आपका आइडल ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आपका बोनट खोलने के लिए, ये फ्यूल कैप खोलने के लिए थोड़ा स्पेस यहाँ मिल जाएगा, ये आइडल ऑन ऑफ के लिए, ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ या आपका हेडलाइट हाइट एडजस्ट के लिए, एसी वेंट या सराउंडिंग कुछ अलग से आपको ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा, कुछ कुछ माइक्रोफाइबर जैसा, और ये भी आपको ग्रोसी सिल्वर देखने के लिए मिलेगा शाइन के साथ, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा, बोनट व्यू भी देख सकते हैं आप। स्टार्ट करेंगे स्टेयरिंग से, तो विदाउट एनी रैप स्टेयरिंग मिलेगा हमें इसमें, थ्री स्पोक्स में देखने के लिए, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, रैप तो कोई नहीं है, बट ये पार्ट थोड़ा अलग देखने के लिए मिल जाएगा। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूँ तो स्टेयरिंग एडजस्टमेंट मिलेगी, स्टेयरिंग आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। जो थ्री स्पोक्स मिलेंगे, लेफ्ट स्पोक में आपको इंफोटेंट कंट्रोल यूनिट मिल जाएगी, या मोड चेंज करने के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा, और ये आपका वॉइस कमांड के लिए, ये म्यूट के लिए, वॉइस कमांड के लिए बोल गया म्यूट के लिए, यहाँ फोन उठाने काटने के लिए और वॉइस कमांड के लिए यहाँ मिलेगा आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के लिए। ये स्पोक प्लेन मिलेगा बट सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा स्पोक्स में आपको देखने के लिए, और यहाँ भी ये गार्निश है बट यहाँ सिल्वर मिलेगा। थर्ड स्पोक प्लेन मिलेगा, यहाँ पे ऑटो एंड लैप कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल यूनिट, मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे, कुछ इस तरह से मीटर मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीड मीटर एनालॉग में, आरपीएम एनालॉग में, बीच में आपको एमआईडी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं ब्रेजा से मिलती जुलती एमआईडी है, मेरे पास ब्रेजा कुछ उसी से मिलती जुलती एमआईडी दी है इन्होंने, जिसमें आपका टाइम वेदर वगैरह किलोमीटर्स वगैरह शो हो रहे हैं, बाकी इंजन नोटिफिकेशन वगैरह भी आपकी आ रही है। यहाँ पे आपका इंजन टेम्परेचर गेज, ये पेट्रोल गेज, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आ जाता है, अच्छा बोनट व्यू मिलेगा इसमें हमें देखने के लिए, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पॉपअप डिस्प्ले मिल जाएगी, 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है जो मारुति की तरफ से हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको एवरेज वगैरह रेंज वगैरह शो होगी। कनेक्टिविटी पे जाएंगे, पहले सेटिंग्स में चलते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह की सेटिंग भी आप कर सकते हैं जाके, वॉइस कमांड वगैरह के लिए, फोन की कनेक्टिविटी भी देख सकते हैं आप यहाँ से, फोन स्ट्रीमिंग तो हो ही जाता है इसमें, और एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो भी मिल जाएगा आपको, बट यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होगा वो, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो यूएसबी के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो एसी वेंट मिलेंगे, ये आपका हजार लाइट का बटन, और ये भी आप इंटीरियर देख के भी कहीं ना कहीं आपको ग्रैंड विटारा जैसा, बलिनो जैसा ही मिक्सअप देखने के लिए मिलेगा कुछ कुछ, यहाँ आपको ग्लोसी सिल्वर का ट्रीटमेंट मिलेगा दोनों तरफ देखने के लिए, और यहाँ कुछ कुछ माइक्रोफाइबर जैसा अलग से इसकी लुक को और इनहेंस करने के लिए अलग से ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ कुछ ग्लोसी अलग से कलर दिया हुआ है, जो डोर्स में ट्रीटमेंट है कुछ कुछ गोल्डन है, और ये ना आपका थोड़ा शाइन करने वाला है, चमकीला टाइप बोलते हैं जिसको, उस तरह से ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको टेंट कलर मिल जाएगा देखने के लिए, ये आपका ग्लोब बॉक्स, ग्लोब बॉक्स में कुछ इतना स्पेस मिलेगा, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिल जाएगी पूरी, यहाँ पे यूएसबी, ये आपका 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा एक, अच्छा जो क्लाइमेट कंट्रोल है पूरे ऑटो मिलेगी, और रेयर और फ्रंट डिफॉगर दोनों मिल जाएंगे, ऑटो मैनुअल दोनों तरह से आप एसी चला सकते हैं। थोड़ा स्पेस यहाँ मिलेगा, 2 कप होल्डर्स, 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा, और गियर कंसोल में यहाँ भी ना आपको अच्छा सा ट्रीटमेंट देखने के लिए दिया हुआ है, कुछ अलग से दिया हुआ ट्रीटमेंट किया हुआ माइक्रोफाइबर जैसा ही। मैनुअल हैंड ब्रेक्स, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, मैनुअल डिमिंग, IRBMs मिलेंगे, 2 येलो रीडिंग लाइट्स मिलेंगी, इस साइड वेंटी मिरर मिल जाएगा सन वाइजर में, और इस साइड आपको प्लेन मिलेगा, इस साइड कुछ नहीं मिलता। अब चलते हैं पैसेंजर सीट, जैसे यहाँ पैसेंजर डोर ओपन करते हैं ट्रीटमेंट, तो इंटीरियर थीम तो पूरी मैं दिखा चुका आपको, डुअल टोन में ब्लैक और ब्राउन में, यहाँ डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, ये सॉफ्ट टच में मिलेगा आपको, पैसेंजर ट्री में आर्मरेस्ट, ग्लास अप डाउन करने के लिए स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, सीट हटाई हुई है कुछ इस तरह की सीट मिलेगी आपको, और पीछे 2 एडजस्टेबल नहीं 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, 60-40 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा सीट्स में, सीट कवर चढ़ रही है इस वजह से नीचे बेंच वाली सीट हटाई हुई है इन्होंने, और ये वाली सीट आप इसकी फोल्ड कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको बूट स्पेस इसका एक्सटेंड करना है, 60-40 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा स्प्लिट सीट का। एसी वेंट वगैरह नहीं दिए हुए, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, एक रीडिंग लाइट यहाँ भी मिल जाएगी। अब चलते हैं बूट स्पेस पे, तो यहाँ जैसे ही बूट स्पेस ओपन करते हैं, यहाँ से बूट स्पेस ओपन होगा, इलेक्ट्रिक बटन मिल जाएगा बूट गेट खोलने के लिए, कितने लीटर का बूट स्पेस है वो मैं डिस्प्ले पे डाल रहा हूँ, बाकी लाइट वगैरह नहीं दी हुई बूट स्पेस के अंदर। यहाँ पे आपका स्पेयर व्हील मिल जाएगा विद टूल्स, अलॉय नहीं है, रिम मिलेगा उसमें, यहाँ पे थर्ड आपका हेडरेस्ट भी पड़ा हुआ, एडजस्टेबल पार्सल ट्रे मिल जाएगी जिसे आप हैंग भी कर सकते हैं,
और अपने अकॉर्डिंग नीचे भी रख सकते हैं। तो यहाँ से गाड़ी का रियर लुक भी एक बार चेकआउट कर, कैबिनेट पे जाते हैं, जैसे ही बोनट ओपन करेंगे या इंसुलेशन पैडिंग मिल जाएगी आपको देखने के लिए, जो कि आपका वाइब्रेशन और नॉइज को काफी कंट्रोल करती है। कुछ इस तरह का इसमें हमें टर्बोजेट इंजन देखने के लिए मिलेगा, 1.2 लीटर का डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन देखने के लिए मिलेगा। ये पेट्रोल में 89 BHP 113 NM का टॉर्क जनरेट करता है, 21.79 पर किलोमीटर की कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है। इसकी फ्रंट व्हील ड्राइव है, मैनुअल 5 गियर में, BS6 फेज 2 वेरिएंट देख रहे हैं आप जो देख रहे हैं, बाकी आइडल स्टार्ट स्टॉप के बटन इसमें मिल जाएगा। आपका फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशन सब कुछ मैंने आपको दिखाया। गाड़ी कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।